एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं नंदी हिल्स और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स लोग भी आए हैं। सबके साथ आपका इंट्रोडक्शन कर देंगे, तो साथ में रहिए, देखते रहिए। नंदी हिल्स हमारे घर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेट 1 आवर 40 मिनट्स टाइम लग रहा है, क्योंकि बारिश है इसलिए। और एक बात है कि आप लोग ट्राई करना कि ऑलवेज फास्टैग यूज़ करने का। अगर आप लोग कैश में दोगे तो दे विल चार्ज यू मोर। हम लोग ने फास्टैग ही यूज़ किया था, पर लास्ट टाइम हम लोगों ने दिया था कैश में, तो हम लोगों का एक्स्ट्रा 80 रुपीज़ लगा। ये मेरे फ्रेंड है और उनकी वाइफ, तो हम सब मिलके आए हैं नंदी हिल्स। अभी 2-3 बार ट्राई किए थे पर बंद था, आज लकीली ओपन है, तो हम लोग अभी देखेंगे। अभी शाम के 6 बजा हुआ है और आपको हम दिखाएंगे ये सब। गाड़ी पार्किंग इधर हुआ है, तरफ जा रहे हैं हम लोग, पर पता नहीं अभी एंट्री करने देगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 o'clock हो गया है। एक्चुअली सडनली प्लान बना हुआ था, मेरे फ्रेंड लोग कल आए थे डिनर में, तो हम लोगों ने थोड़ा पार्टी वार्टी की है, तो ऐसे सुबह निकल नहीं पाए, फिर लंच करके फिर निकले हैं, तो थोड़ा आने में टाइम भी लगा। मेरे घर से पहले फ्रेंड के घर आए, उसके बाद फिर नंदी हिल्स, सो उसी बीच में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो थोड़ा पहले आते तो अच्छा लगता, और बीच में बारिश भी हो गया। फाइनली एंट्री कर पाए हैं, बारिश अभी थोड़ा रुका हुआ है, मौसम भी बहुत सुंदर है, रोमांटिक वेदर। मंदिर के अंदर आते ही आप लोगों को जस्ट लेफ्ट साइड में एक टेंपल मिलेगा जो कि थोड़ा नीचे तक गया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और टेंपल आप लोगों को दिखाई देगा। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। चढ़ के आप जा सकते हो और एक स्लोप टाइप का, तो हम स्लोप टाइप का ही यूज कर रहे हैं। एक सुंदर सा पॉन्ड है, पर हम लोग इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, रेस्ट्रिक्शन है, तो इधर से ही वीडियो कर सकते हैं हम लोग। पूरा गेट से लगा हुआ है, जाके कोई अंदर ना चले जाए। इधर लिखा हुआ भी है कि वी कैन नॉट गो इनसाइड द पॉन्ड। पॉइंट मिला है, बहुत सुंदर है, इधर से आप लोगों को दूर से बैंगलोर सिटी दिखाई देगा और जहां पर हम लोगों ने कार पार्किंग किया वो भी दिखाई देगा। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं टॉप पे, जहाँ से एकदम पूरा व्यू दिखता है, बेंगलोर सिटी भी दिखता है। वो वाला जो व्यू पॉइंट है, जो कि मेनली नंदी हिल्स का व्यू पॉइंट बोलता है, उधर पहुंच गए। थोड़ा सा स्टेयर चढ़ के जाना पड़ेगा, सब बोल रहा है कि अनदर 10 to 15 मिनट्स लगेगा।
टॉप पे पहुंच गए हैं और इधर से बेंगलोर सिटी पूरा दिखता है। आप लोग देख ही पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाने का कोशिश करती हूँ। जो भी लोग अभी तक बेंगलोर में हो और नंदी हिल्स नहीं आए हो, प्लीज़ विजिट वंस। आप लोग सनराइज में भी आ सकते हो और मेरी तरह सनसेट में भी आ सकते हो, पर आओ ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। व्यू पॉइंट में एक टेम्पल भी है, अभी हम लोग टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। वाओ, सुपर वाइड एंगल लेंस में मैं क्लिक कर रही हूँ। अभी जैसे एकदम शाम की 6:30 बज गया है, तो डार्क तो है ही। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर, वो भी पुराना, मतलब अलग ही कुछ लगता है। नंदी हिल्स का ये नज़ारा शायद ही आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ये ब्लॉग ज़्यादातर लोग डालते हैं, पर अभी पूजा भी चल रहा है। एकदम पुराना टेंपल, जैसे साउथ इंडिया का टेंपल होता है ना, बहुत सुंदर, वैसे ही नज़ारा, ब्यूटीफुल। मन कर रहा है इधर ही रह जाओ आज। शाम की 7 बज गए हैं, तो इसलिए मंदिर क्लोज हो गया है। हम लोग जो भी थे मंदिर के अंदर, हम लोगों को बोला गया कि अभी आप लोग नीचे उतर जाओ बस से, क्योंकि अभी नंदी हिल्स पूरा क्लोज हो गया है, क्योंकि 7 बज गया है और थोड़ा डार्क भी है, पहाड़ी जगह है इसलिए। तो हम लोग अभी नीचे उतरेंगे, इधर से बस मिलता है, हम लोग बस पकड़ के उतरेंगे। बहुत सारे लोग पैदल भी उतर रहे हैं, पर मैं प्रेफर कर रही हूँ बस पकड़ना। बस मिल गए हम लोगों को, ये लास्ट बस था, और बस में हम लोगों से 25 रुपीज़ चार्ज किया गया है। हम 4 थे तो 100 रुपीज़। बस एकदम पूरा हम लोगों को पार्किंग लॉट में लेके आ गया है, और अभी हम लोग ऑन द वे टू बेंगलोर। से अभी घर के तरफ जा रहे हैं, 7:30 बज गया है, तो अभी इधर ऑन द वे कुछ ढाबा टाइप का है, तो उधर थोड़ा कॉफ़ी पकोड़ा मैगी ये सब खा लेंगे, फिर जाएंगे। और रोड में बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रहा है और डार्क भी है रोड, क्योंकि रोड साइड में लाइट एकदम नहीं है। थोड़ा रुक गए अभी, आधा घंटा ये सब खाने में चला जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे। लोगों ने ऑर्डर किया पकौड़ा और कॉफ़ी, अभी खा रहे हैं पकौड़ा और कॉफ़ी। और पकौड़े में हम लोगों ने ऑर्डर किया है मिर्ची भाजी 1 प्लेट 50 रुपीज़, और कॉफ़ी 15 रुपीज़ ईच। बिस्किट शोमा के लिए बिस्किट भी ऑर्डर किया है, क्योंकि वो भज्जी नहीं खाता है। और इधर कॉफ़ी, ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी में। और ये पकौड़ा ख़त्म हो गया, पकौड़ा अच्छा है ना, तो हम लोग फिर से ऑर्डर करेंगे 1 प्लेट। तुम क्यों नहीं खाए पकौड़ा? इधर देखो, वीडियो चल रहा है, क्यों नहीं खाए पकौड़ा? अरे ये क्या लगाया बिंदी टाइप का? ये क्या है यार? मैं खिला देती हूँ, ये दिखाओ क्या लगाया। अच्छा, पूजा वूजा किया है। एक बोंडा ऑर्डर किया है, अच्छा ही है, अच्छा ही लग रहा है, अभी खा लेते हैं फिर आते हैं। बोंडा आलू का है। वाओ, क्या बोंडा है। फ्रेंड के घर आए हैं,
तो अभी इधर डिनर करेंगे फिर घर जाएंगे। डिनर में खिचड़ी और कुछ सब्जी होगा। मुझे खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। रेनी डे है, पूरा वेदर बहुत अच्छा है, मौसम। तो रात का डिनर, इसको बंगाली में लाबड़ा बोलते हैं। सब वेजिटेबल्स है, सब कुछ दे के करते हैं ये। और ये है मूंग दाल का खिचड़ी। रात का डिनर फाइनली रेडी हुआ है। खिचड़ी, सब्जी जिसको हम लाबड़ा बोलते हैं, ऑमलेट, हाँ, और ये पनीर और मैंगो। तो आज का ब्लॉग इतना था। कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।